लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ दैट हीथन एयर की समरी के बारे में और करेक्टर्स, और उसमें मैंने थीम्स का थोड़ा सा जिक्र किया। आज इसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा, ये जो शॉर्ट स्टोरी है दैट हीथन एयर बाय मुनीजा शमसी, क्योंकि मैंने देखा पिछली वीडियो में काफ़ी आप लोगों ने जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और बहुत से स्टूडेंट्स ने कॉन्टैक्ट भी किया उसके टेक्स्ट के हवाले से। तो इसलिए मैंने समझा कि इसकी एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करना ना बहुत ज़रूरी था, तो आप लोगों के साथ मैं उसका एनालिसिस शेयर करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जिस तरीके पिछली वीडियो को जो है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, कि इसमें भी आप लोग इसी तरीके जो है मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं दैट हीथन एयर बाय मुनीजा शमसी। इसके एनालिसिस से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, टर्न पोस्ट कॉलोनियलिज्म। आप जानते हैं कि ये पाकिस्तानी लिटरेचर में आप लोग पढ़ रहे हैं, और पाकिस्तानी लिटरेचर जो है टोटली वो बेस्ड करता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म आप जानते हैं कि कॉलोनियलिज्म के बाद जो पीरियड आता है उसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो जो भी उसमें लिटरेचर लिखा जा रहा होता है वो ऐसा हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ेंगे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। द टर्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म डील्स विद द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड द ऑन कल्चर्स एंड सोसाइटीज ऑफ द एक्स कॉलोनीज। मींस पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक ऐसी टर्म है जिस या एक इफेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, कल्चर के ऊपर जो कॉलोनाइजेशन होती है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका असर क्या हुआ है लोगों के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर जो एक्स कॉलोनीज थी। आपको पता है कॉलोनियलिज्म में क्या था कि कॉलोनीज के ऊपर लोग जो है ब्रिटिश आए, उन्होंने कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करने के बाद जो अपने उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए तो वो कॉलोनियल इरा था। जब कॉलोनियलिज्म एंड हुआ तो उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल इरा शुरू हो जाता है। From the its first use by the historians after the Second World War, the term was used by the literary critics in 1970s to discuss the various cultural effects of colonization. तो देखें, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिटरेरी क्रिटिक्स ने 1970 में ये टर्म यूज़ की। उन्होंने डिफरेंट वे जो कल्चरल थे उनके जो इफ़ेक्ट्स थे कॉलोनियलिज्म के ऊपर, कॉलोनाइजेशन के ऊपर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डिस्कस की। मैं इसमें इंग्लिश रीड नहीं करूँगा क्योंकि वो आप लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। मैं थोड़ा सा उसको ना ट्रांसलेशन में, क्योंकि अगर मैं साथ साथ इंग्लिश करता जाऊँ तो उस पर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और इस तरीके में भी प्रॉब्लम हो थोड़ी सी। पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर जो है ना, एक आपको पता है कि एक इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर बॉडी ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसमें तकरीबन सारा ही मैंने कहा ना वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो था उसके ऊपर जो सब कॉन्टिनेंट से लिया गया। इसमें जो थीम्स है ना वो ज़्यादातर, इसमें थीम आपने देखने हैं, कोई भी पाकिस्तानी लिटरेचर का आपके पास पार्ट आता है उसमें कहते हैं कि आप थीम्स को डिस्कस करें। आप पढ़ेंगे डिफरेंट, आपके पास बर्न शेडो आएगा, कमीला शमसी का, मुनीजा शमसी का ये है, उसके बाद मोहसिन हामिद के आपके पास आ जाते हैं, ज़ैबुन्निसा हामिद, डिफरेंट जो पाकिस्तानी राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपने जो सर्विसेज पेश की। तो किसी किस्म का भी आपके पास अगर कोई टेक्स्ट आता है उसकी थीम्स आपने डिस्कस करनी हो तो आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली जो थीम्स पाई जाएंगी उस टेक्स्ट के अंदर वो यही होंगी। ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन हो गई, पार्टीशन जो ही उसके आफ्टर मैथ क्या थे, क्या उसके इम्पैक्ट्स हुए लोगों की जिंदगियों के ऊपर, क्या ब्लंडर्स हुए वहाँ पे, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं पार्टीशन के हवाले से वो आप देखेंगे टेक्स्ट के अंदर राइटर्स ने इंक्लूड की होंगी। उसके बाद नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी थीम्स। पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी जो है वो आपने देखेंगे कि आइडेंटिटी किस तरीके जो है सर्वाइवल की उन्होंने कोशिश की बट जो नहीं कर सकते, या आइडेंटिटी क्राइसिस भी आप कहते हैं। तो बर्न शेडो आपने पढ़ा हो अगर कामिला शमसी का, तो उसमें भी सारी चीज़ें जो है आपको ये इजीली मिलेंगी। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको राइटिंग मिलेंगी जिसमें जेंडर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। उसके बाद हाइब्रिडिटी आएगी, मीन्स मिक्सिंग ऑफ कल्चर होगा, क्योंकि जब
एक कल्चर से आप दूसरे कल्चर में शिफ्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके जो है इफेक्ट्स रह जाते हैं। ये चीज़ दैट इथन ईयर में भी बहुत ज़्यादा लेवल पे पाई जाएगी हाइब्रिडिटी। उसके बाद डायस्पोरा इशू एंड इंडिजिनस कल्चर और जो वहाँ का जो मकामी और जो मकाम वहाँ पे रेजिडेंशियल लोग थे उनका जो कल्चर है ना उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर जो है ना इसमें पाकिस्तानी राइटर्स ने क्या किया है, इन्होंने ग्लोबली इन द लार्ज क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी स्टार्टिंग विद द सीनियर जनरेशन ऑफ द राइटर्स लाइक सारा शेरी। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी राइटर्स हमने बताए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, कौन कौन से, सारा सुलेरी हैं, अनीफ कुरैशी हैं, इनका अपने केस ऑफ एक्सप्लॉयडी मैंगो होगा, पेप्सी सिद्वा नो डाउट, फॉलोड बाय द क्रिएटिव आउटपुट बाय द राइटर्स ऑफ यंगर जनरेशन। अब उनके बाद यंगर जनरेशन आई, कामिला शमसी होंगी, मोहसिन हामिद है, बीना शाह है, उज़्मा असलम खान है एंड मोहम्मद हनीफ एंड सो ऑन। मतलब ये काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट नेम है पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर जिन्होंने इंग्लिश राइटिंग के ऊपर फोकस किया। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी एनालिसिस। स्टोरी एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म आई है वो हमारे पास है डबल कॉलोनाइजेशन। आपको थोड़ा सा वर्ड से अंदाज़ा होगा कि कॉलोनाइजेशन होगा, कॉलोनाइजेशन का आपको मैंने बताया कि कॉलोनी आते हैं जब इंपीरियलिज्म होता है, लोग बाहर से आते हैं और वो आके किसी कॉलोनी को कैप्चर करते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया को कैप्चर करते हैं और वहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं ना, तो वो जो एरिया होता है वो कॉलोनी कहलाता है और ये टोटली जो प्रोसेस है इसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डबल कॉलोनाइजेशन क्या है, एक टर्म्स है जो कि मिड 1980s में रेफ़र की गई थी, वुमेंस ऑफ द एम्पायर्स कॉलोनीज हु वर डबली कॉलोनाइज बोथ बाय द डोमिनेशन ऑफ द मेल पैट्रार्ची एंड बाय द कॉलोनियल डोमिनेशन ऑफ द इंपीरियल मास्टर। कि वुमेन के लिए ये टर्म यूज़ की गई थी जो कि डबल कॉलोनाइज थी, किस तरीके से उनके ऊपर जो मेल पैट्रार्ची सिस्टम था, पैट्रियार्चल सिस्टम था, वो भी उसकी डोमिनेंसी और उसके साथ साथ जो इंपीरियल मास्टर्स थे जिन्होंने कॉलोनियलिज्म वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स जो थे उनका भी जो इम्पैक्ट था उस पे भी वो कॉलोनाइज थी फीमेल, तो उनको डबल कॉलोनाइजेशन का जो है सामना करना पड़ रहा था। इस स्टोरी की अगर हम रिलेटेड बात करें तो गोहर ताज जो है इसका करेक्टर्स मैंने ऑलरेडी स्टोरी में बताया, समरी में बता चुका था पिछली वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके पाकिस्तानी लिटरेचर में देख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। गोहर ताज जो है वो क्या हो रहा है कि हर सफरिंग स्टार्टेड व्हेन हर फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स आफ्टर देयर एंसेस्टर। लास्ट मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर जो है कन्विक्ट किया गया था रीजन एंड एक्साइल टू रंगोन इन 1858। जब 1858 को उसको एक्साइल किया गया था बहादुर शाह जफर के बाद, तो उसके बाद जो सफरिंग स्टार्ट हुई है प्रिंसेस गोहर ताज की उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है टोटली। अब एक देखिए, एक तो उसको सफरिंग किस तरह से वो अपने जो पैट्रार्चल सिस्टम की तरफ से आ रही थी, दूसरी देखिए उसकी सफरिंग क्या थी, वो मल्टीफोल्ड थी उसकी सफरिंग। कैसे, वो चाइल्डहुड मैरिज के भी विक्टिम हुई उसकी, क्योंकि छोटी एज में शादी कर दी गई। यहाँ पर आप एक थीम चाइल्डहुड मैरिज की भी थीम ले सकते हैं। शी हैज़ टू चेंज हर पर्सनैलिटी टू फॉज हर हस्बैंड एंड फाइनली शी हैज़ टू बी एयर द बर्डन ऑफ सेपरेशन फ्राम हर सन्स। अब यहाँ पर देखें कि उसको अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए भी क्या करना है, उसको अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करना थी, यानी उसने जो वो मुग़ल सल्तनत से जो उसकी खसूसियात, जो उसकी करेक्टरिस्टिक उसकी पर्सनैलिटी में थी, अब उसको चेंज करना पड़ रहा था अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो रहा है और शिफ्टिंग ऑफ कल्चर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके जो है वो शिफ्ट हो रही है एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर। प्रिंसेस गोहर ताज जो है उसके पास तकरीबन जो है ना वो सारी लग्जरीज तो नो डाउट उसके पास थी, क्योंकि वो बिलोंग करती थी एक मुग़ल ख़ानदान से, एक नोबल फैमिली थी जिसमें अच्छे खासे, तो उसको लग्जरीज तो सारी हासिल थी। फिर भी क्या था, वो बेबस थी अपने हस्बैंड के हाथों और अपने, क्योंकि वो जो है ना उसके हस्बैंड उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा था एंड हर चिल्ड्रन और उसके बच्चे जो थे उनको भी जो कंट्रोल कर रहा था और उनके हाथों वो मजबूर थी
और वहाँ पे वो बेबस है। यहाँ पे आप उसका डबल इम्पैक्ट भी एक दिखाया गया वुमन का, किस तरीके की इवन के लग्जरीज तो उसके पास सारी ज़िंदगी की आसाइशें सारी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वहाँ उसके पास एक मेंटल पीस नहीं था, पीस ऑफ माइंड नहीं था। यहाँ पे ये भी चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, येट शी वॉज लैकिंग ऑफ द पीस ऑफ माइंड। प्रिंसेस गोरताज यहाँ पे क्या कहता है, उसका जो पर्सनोना है इज नॉट इंटरनल, रादर शी टेक्स ऑन दिस रोल एज अ डिमांड फ्रॉम हर हस्बैंड सोशल लाइफ, कि जो उसका अपने एक पर्सनैलिटी में चेंज जो था ना, वो उसकी इंटरनल नहीं था, उसकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं था, उसकी ख्वाहिश अपनी नहीं थी, बल्कि उसके हस्बैंड की वजह से और उसको अपनी सोशल लाइफ के अंदर जो है अब चेंज लाना उसके लिए ज़रूरी था। दिल ही दिल में क्या था, शी स्टिल हेट्स द ब्रिटिशर्स एंड नेवर बिहेव्स एज एन एंग्लिसाइज्ड वुमन इन हर पर्सनल लाइफ, कि वो देखें इवन दो कि उसको हस्बैंड की तरफ से वो ब्रिटिश राज को वो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, बस दिल ही दिल में वो उसके खिलाफ ही थी। उसने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं बनाया कि जो इंग्लिश कल्चर को जो पसंद करते हों, वो दिल ही दिल में उसमें नफरत रखती थी। उसने रियलिटी में उसको अपने आप को चेंज नहीं किया, एक्सटर्नली उसने चेंज किया था जस्ट। शम्सी इंट्रोड्यूस हर इन द फर्स्ट पैराग्राफ द स्टोरी एज वेयरिंग अ लाइट शॉल ओवर हर लॉन्ग शर्ट एंड क्लिंगिंग चूड़ीदार पजामाज। अब चूड़ीदार पजामाज आपके पास उसमें उसने दिखाया है कि पहले पैराग्राफ में कैसे उन्होंने उसको दिखाया है। Faith in God and believes in prayers. Moreover, she behaves very emotionally, showing her sentiments while she is about to be parted from her husband. अब यहाँ पर देखें, एक उसने शॉल पहनी हुई है ओवर हर लॉन्ग शर्ट, ठीक है लंबी शर्ट, मतलब उसने वो कमीज़ टाइप पहना हुआ है और चूड़ीदार पजामा भी उसने पहना, उसका एक अपेयरेंस यहाँ पर दिखाई गई है। अल्लाह पर उसको पूरा भरोसा है, वहाँ पर नमाजें भी पढ़ रही है उस, लेकिन क्या होता है कि ना अब वहाँ पे अब देखिए एक भरोसा भी है अल्लाह के ऊपर, भरोसा भी है, लेकिन स्टिल उसकी एक मदरनेस भी यहाँ पे दिखाया गया कि जब वो अपने बेटे से जुदा होती है ना, तो उसकी फीलिंग्स उसके इमोशंस जो हैं वो सामने आते हैं खुल के। शी हैज़ नो से इन द मैटर्स रिगार्डिंग, यहाँ पे आई थिंक शी हैज़ टू से आएगा, इन द मैटर्स रिगार्डिंग हर चिल्ड्रंस वेल बींग एंड एजुकेशन, रादर हर हस्बैंड हैज़ हायर्ड अ ब्रिटिश गवर्नेस टू अप ब्रिंगिंग हर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, वो खुद अपने बेटे की परवरिश करना चाहती होती है, लेकिन उसका जो कि हस्बैंड है वो इंग्लिश कल्चर को पसंद करता है और उनको जो है उनके कल्चर में ही ढल चुका हुआ है, जैसे मैंने समरी में पहले बताया था। तो वो उसने एक गवर्नेस रखी होती है जो उसके बेटे को उसकी परवरिश करती है, उसकी देखभाल करती होती है, ताकि वो उसको वेस्टर्न जो तौर तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी परवरिश कर सके। यहाँ पे आयरनिकली क्या होता है, उसके अपने घर पे जो है उसको फॉरेन लेडी जो है उसके रूल्स सेट किए गए वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ना डबल कॉलोनाइजेशन किस तरीके कॉन्सेप्ट आ रहा है कि उसको दोनों तरफ से ही जो है अपनी मनमानी करने की इजाज़त है ही नहीं, वो बाउंड है टोटली फॉलो करने के जो ऑर्डर्स हैं उसके हस्बैंड की तरफ से, या वो अब यहाँ पे जो फॉरेन लेडी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा आ रही है। शम्सी जो है मास्टरफुली शोन द फैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एट नेशनल लेवल एज वेल एज फैमिली इंडिविजुअल लेवल, वहाँ पे दिखाएं कॉलोनियलिज्म का, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है किस तरीके कॉलोनियल, वहाँ पे भी वो उसको भी एज अ कॉलोनाइज किया गया, घर के अंदर भी वो कॉलोनाइज ही है, उसको एज अ फैमिली मेम्बर भी कह सकते हैं और एज अ इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, किस तरीके उसका हस्बैंड उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके हस्बैंड को आप एज अ कॉलोनाइजर भी ले सकते हैं, इसको कॉलोनाइज ले सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्रोटैगनिस्ट का जो करंट उसका डायलेमा क्या है, उसके दो बेटे की जो सेपरेशन है उससे वो अब जुदा हो रहा है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, तो इसको ये जो है इसके लिए परेशानी का बायस था। वो डर रही थी इस जो ये जुदाई उसके और उसके बेटे के दरमियान जो आ रही थी, उसको अलहदा किया जा रहा था, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। अब उसको ज़ाहिर मदरहुड की जो है यहाँ पे भी एक थीम दिखाई गई है,
अब यहाँ पे शी इज़ अप्रीहेंसिव दैट हर सन वुड नॉट ओनली बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल मदर बट वुड ऑल्सो फॉरगेट हिज होम लैंड। यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके उस लड़के को, उसके बेटे को किस तरीके एक तो अपनी माँ से जुदा होना पड़ रहा है, साथ ही साथ उसको अपने वतन से भी जुदा होना पड़ रहा है। यहाँ पे एक सेपरेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। His metaphorically mothers because he, अब यहाँ पे metaphorical mother किसको कहा गया है, उसके homeland को, will imbibe that ethan air and that water which has made men masters of India and which will alienate her sons from her forever. She fears that they will probably become Christians and marry English women. अब यहाँ पे उसको एक और भी जो है एक ख़तरा लाख हो गया है कि वो अपनी रवायात को जो उसकी पहली जो थी उनको छोड़ के ये ना हो कि इंग्लिश कल्चर में जा रहा है तो वहाँ पे वो अपना रिलीजन भी चेंज कर ले और वहाँ पे किसी जो है इंग्लिश वूमन के साथ वो शादी न कर ले। तो ये चीज़ उसको मतलब ये भी उसके लिए ख़तरे के बायस बन रही थी, परेशानी का बायस बन रही थी कि उसका बेटा बिल्कुल ही उसके कल्चर से उससे टोटली जो है वो कट ऑफ हो रहा है। तो ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस थी। तो यहाँ पे ये टर्म मैंने यहाँ पे डिस्कस किया डबल कॉलोनाइजेशन का। बाकी जो है इस स्टोरी के एनालिसिस का पार्ट मैं सेकंड वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा अगर कोई चीज़ मज़ीद इम्प्रूव करने वाली हो तो, ताकि वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं उसको अच्छे तरीके से लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।